हाई फ्रेंड रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 नौ 2020 को जारी किया गया है जिसमें 2019 में एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में करीब साठ हज़ार निकली थीं उनके लिए फॉर्म फिलअप हुए थे और जो एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है और जो रिजेक्ट हुई है वो आप देख सकते हो इनके लिए आपको डेट भी दी गई है तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ वो देख सकते हैं इक्कीस नौ 2020 से 30 नौ 2020 तक और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ उनके लिए आपको पासवर्ड भी डालना होगा उनके लिए आपको अपना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ ऑफ डेट है आपका तो बर्थ अपडेट को आप तो पता पता ही होगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आरआरबी का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा उसमें होगा और आपको आरआरबी की ओर से एक एसएमएस भी आया होगा जिसमें आपने जो नंबर डाला होगा उसमें एक मैसेज भी आया होगा तो आप चेक कर सकते हो फ्रेंड आपने आर के जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़िलअप करने थे उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस पूरे नहीं किए हैं या फी फिलअप नहीं किए हैं और दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया होगा इसलिए आप एलिजिबल नहीं होगे एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट टेस्ट की जो आर की के एग्ज़ाम है उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे और एक इंस्ट्रक्शन ये भी दी गई है कि आप आर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पर ही होगा और इसके अलावा दूसरे जो कोई भी पैसे की बात करें तो उन पर आप भरोसा मत करना ऐसा भी लिखा गया है फ़ेक न्यूज़ पर भरोसा मत करना इसलिए ये भी नोटिफिकेशन में कहाँ गया है एंड आप देखना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूँगा जिसमें आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका बर्थ ऑफ डेट डाल के देख सकते हैं लेकिन लिंक अभी आर की साइट पर अवेलेबल नहीं है इसलिए 21 नौ को जब आएगा 21 नौ 2020 को तब मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उनसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या सिलेक्ट हुआ